बीजेपी सरकार जिंदाबाद, बीजेपी सरकार जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, चावल भुनाने के काउंटर काउंटर मनोहर लाल चावल घोटाले का कौन दलाल, चावल घोटाले का कौन दलाल, बीजेपी मुर्दाबाद, बीजेपी मुर्दाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, मनोहर लाल हाय हाय सबसे पहले तो मैं आप सबकी हाजिरी में आज बहन जी का मुझे बड़ी खुशी है कि इन्होंने बहन जी ने यहाँ हमारे हरियाणा प्रदेश के अध्यक्ष ने हमारी मेवात को चुना। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है बहन जी, जैसा कि चोरी मामन जी कह रहे थे, आफ्ताब जी कह रहे थे, इस निकम्मी सरकार ने तो हमारी बात को, पानी की बात को नहीं माना, लेकिन हम खुशामदीद कहते हैं आपके आने पर। आपके आने से जो हमारे अल्लाह मियाँ भगवान राजी हुआ है ना, ये आपके कदम जो मेवात में पड़े हैं सर, इसमें आपकी बरकत है। और हम तीनों एमएलए कई बार मुख्यमंत्री जी से मिले, पानी के बारे में, बिजली की समस्याओं के बारे में भी हम मिलते रहते हैं अक्सर, लेकिन इस सरकार की कान पर जूं तक नहीं रहेंगी। और हरियाणा में सबसे पिछड़ा अगर कोई हिस्सा है तो वो मेवात का, सभी जानते हैं। और ये सरकार जानबूझकर मेवात के साथ जाती कर रही है। आप सभी इस बात के, इस मर्ज के मरीज हैं, जिसमें हम तीनों भी शामिल हैं, लेकिन घबराने की बात नहीं। वो कह रहा ना कि गांव की साग तो बाड़े ही भर दिए ग्राम। अब ये जाने आज ये शुरुआत, ये समझे, ये मान लीजिए इस सरकार की आज शुरुआत हो गई, उल्टी गिनती शुरू हो गई और भविष्य में बहुत अनकरीब उनका पतन होने वाला है। चाहे वो शराब घोटाले की बात हो, चाहे वो चावल घोटाले की बात हो, चाहे रजिस्ट्रियों की बात हो, चाहे बिजली पानी की बात हो, चाहे पब्लिक हेल्थ की बात हो, कोई भी बात हो, बहरहाल ये हर मोर्चे पर ये झंडा झंडा डाले भाई, झंडा डाले झंडा पे सभी कांग्रेस जो आज के दिन प्रदेश में हरियाणा वासियों के साथ खिलवाड़ हो रहा, जब से ये सरकार बनी है हर रोज घोटाले हो, वो सारा सारी जनता जानती है, रोज बातों का पर्दाफाश हो रहा है। लेकिन दुख की बात ये है कि चाहे वो धान का घोटाला हो, चाहे रजिस्ट्री का घोटाला, और दिखावा किया जाता है, छलावा किया जाता है। तो हम इन सब बातों के खिलाफ, क्योंकि हमें कोई विश्वास नहीं है कि जो ये जांच का दिखावा चलता है SIQ SET नाम से, वो केवल पर्दा डालने की बात है। इसलिए हमारे समस्त कांग्रेस जनों की डिमांड कि इसकी इंक्वायरी जब तक सिटिंग हाई कोर्ट जज की देखरेख में नहीं होगी, तब तक इसी तरह से घोटाले भी होंगे और पर्दे पर पर्दा डाला जाएगा। तो आपसे आग्रह कि आप माननीय राज्यपाल जी को ये हमारा ज्ञापन पहुँचा दीजिए।